हम ध्यान करेंगे। पास्चर ठीक करके शरीर और मन को रिलैक्स करके ओपन अवेयरनेस सारे शरीर के ऊपर ध्यान, सभी इंद्रियों के प्रति सजग, अपनी तरफ से कोई हमारी चेष्टा नहीं, कोई इंटेंशन नहीं, और आदत के वश कभी कुछ इंटेंशन आ जाए चेंज करने की तो उसको देख लेंगे, रोक त्याग देंगे। स्वतः ही जो अवेयरनेस में आता है, जो भी अनुभव अवेयरनेस उसको जान लेती है, हम कुछ नहीं करेंगे। तो सचमुच में अपने आप जाना जा रहा है, क्योंकि हमारा इंटेंशन नहीं है जानने का। जो कुछ भी अनुभव हो रहा है वो नित्य निरंतर बदलता जा रहा है, ये स्वतः ही जानकारी हो रही है। हमें बस सजग है,
आज कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस को और उसके कंटेंट्स को अलग अलग देख पाए।
शरीर में कहीं दर्द का अनुभव हो रहा है तो अनुभव कौन कर रहा है? काया विज्ञान काया पे स्पर्श हो रहा है अंदर से, जो अंदर भी क्रियाकलाप चल रहे हैं शरीर के, और उसके कारण काया विज्ञान जाग रहा है और वेदना जाग रही है और वेदना अप्रिय है मालूम पड़ रही है। तो ये काया विज्ञान का काम हुआ और हम जानते भी हैं कि यहाँ पे इस क्षेत्र में ये अनुभव हो रहा है। जो ये जानने वाली क्षमता है उसको भी दर्द हो रहा है या क्या वो भी विचलित विचलित हो रही है दर्द के कारण, या वो बिल्कुल अनअटैच्ड? बार बार जैसे जैसे अनुभव हो बार बार इसको चेक करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हमें अवेयरनेस पे और अवेयरनेस पे कॉन्फिडेंस आए आना है, उसी को अपना रिफ्यूज बनाना है, तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। प्योर अवेयरनेस जो है वो अपने आरंभ मन से कंपायमान नहीं होती, हमेशा एक जैसी बनी रहती है। चित्त में राग जागा, मनोविज्ञान के साथ मनो संस्पर्श वेदना जागी, बहुत अच्छी लग रही है और सती से मालूम पड़ रहा हो वेदना जाग रही है, मन में राग जागा है। तो जब सती ये जानती है मन में राग जागा है तो क्या सती में भी राग जागता है? क्योंकि हमारे पास सती एक माध्यम है, नियरेस्ट प्योर अवेयरनेस और कुछ नहीं है। तो साधना करते हुए बार बार जब जब अवेयरनेस में कोई चीज आए, कई बार मालूम नहीं पड़ पाता कि वो अलग है। मेरा अनुभव यह है कि जो मन के अंदर जब कुछ चीजें जागती हैं तो स्पष्ट मालूम पड़ता है। काया विज्ञान, चक्षु विज्ञान, सूत विज्ञान और सती, उनकी भिन्नता को देख पाना काफी सहायक होता है। आत्मबोध की पुष्टि के लिए अगर सूक्ष्मता से देखते नहीं तो सब गड्ढमड होता रहता है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। यही लगता है मैं यार, मेरे को ही दुख हो रहा है, मुझे ही परेशानी हो रही है, मैं ही राग में फंसा हुआ हूँ, मुझे ही दर्द हो रहा है। तो ये जो अनुभव है इसको
धम्मा विचार करके देखेंगे, बार 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 बार, तो जो घनत्व है, जो कॉम्पैक्टनेस के कारण मैं का भाव जागता है, तो उसके कारण टेनिशियस हो जाता है, उसकी पकड़ कम करने के लिए इस तरह से ऑब्जर्वेशन हेल्पफुल रहती है। तो हम कोशिश करते हैं आज बैठ के अभ्यास करते हैं इसका।
एक बार और देखते हैं, भिन्नता से समझते हैं। पाँव में दर्द हो रहा है, ऐसा अनुभव है, तो इसको धम्म विचार करके देखते हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारा अटेंशन वहां पे गया, काय विज्ञान जागा और काय विज्ञान के साथ दर्द की वेदना जागी। तो ये बेसिक प्रोसेस है, वहां अटेंशन जब गया तो ये हुआ। और फिर हमने जाना, अच्छा दर्द हो रहा है, तो ये जो जानने वाला है सती, क्या दर्द जानते हुए सती में भी दर्द हो रहा है या दर्द वो एक अलग से देख पा रहा है? जैसे अजान समय दो वगैरह कहते हैं, इज द माइंडफुलनेस ऑफ पेन इटसेल्फ इन पेन और माइंडफुलनेस इज इंडिपेंडेंट एंड पेन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड सेपरेटली। चीज और नोट कर सकते हैं, जो मन में प्रपंच से चलते हैं अनरिलेटेड टू दी एक्सपीरियंस, वो मोह का संस्कार है, डिल्यूजन है। और अगर बहुत सजग रहे तो पता चलता है कि वो न्यूट्रल सेंसेशन हो रही शरीर में, अनुभव हो रहा है, ना दुखद वेदना है ना सुखद वेदना है, तो मन उसको ठीक से देखता नहीं है। फिर इस तरह से भटक सा जाता है। हम चित्तानुपासना कर रहे हैं तो ठीक है, जान लिया मन भटक गया, तुरंत साथ साथ मालूम ना हो तो रिट्रोस्पेक्टिव कर सकते हैं, अच्छा ये मन भटका था, उससे पहले क्या अनुभव हो रहा था, तो स्पष्ट हो जाता है कि हाँ मुझे याद भी नहीं है क्या अनुभव हो रहा था, मैंने ध्यान से देखा ही नहीं। जब दर्द होता है तो अपने आप ध्यान लग जाता है उसमें, बहुत प्रिय वेदना हो रही है तो भी ध्यान में रहता है और याद रहता है, क्योंकि असुखद वेदना को हम महत्व नहीं देते तो याद भी नहीं रहता और मन भटक जाता है। न्यूट्रल थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स, अनरिलेटेड थॉट्स, ये सब क्यों जान रहे हैं? ताकि
विचारों की शून्यता से जागना और शून्य में जाना और उनका निस्सार होना स्पष्ट हो जाए, कोई उसका मतलब ही नहीं। सिर्फ बगैर सिर पैर के कोई भी विचार आ गया और जैसे ही जाना चला गया, तो जो विचारों के प्रति तादात्म्य है, मैं का भाव है, मेरे विचार, वो थोड़ा थोड़ा शिथिल होने लगता है। तो यही अभ्यास बार 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 करेंगे तो मैं का भाव और कमजोर होता चला जाएगा।
Thank you.
स्पष्ट लगता है कि बोर्डम को देख पाना, न्यूट्रल सेंसेशंस को देख पाना कितना कठिन है। जब उस पर प्रतिक्रिया हो जाती है, विचार आने लगते हैं, उसके बाद ख्याल आता है कि ऐसा हुआ। अभ्यास करेंगे बार बार तो उनको विच्छेद करके देख पाना संभव हो जाएगा।